मैं नहीं चाहती कि मैं और मोहन आप पर बोझ बने। इस बात का एहसास तुम्हें पहले नहीं हुआ कभी? दो दिन पहले तक तो सब ठीक था, तुम ठीक थी, तो आज क्या हो गया? मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, इससे तकलीफ हो रही है तुम्हें, दर्द हो रहा है? हो रहा है दर्द। हमें डिवोर्स पेपर पर साइन तो करनी थी ना, पहले पहले कर दिया, और वैसे भी हमारी शादी एक मजबूरी के सिवा और है ही क्या? मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था आपकी जिंदगी में। लेकिन हो ना मेरी जिंदगी में, तो हो ना इस वक्त। तुम तो हमेशा ये बोलती थी कि तुम्हें किसी भी चीज को बीच में छोड़कर जाने की आदत नहीं है, तो अब सब कुछ बीच में छोड़कर क्यों जा रही हो? तुम जो सपने तुमने मोहन के लिए बुने थे वो क्यों छोड़कर जा रही हो? मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो? डैमिट, पता तो आर्य मस्तर को कि मोहन लड़की से लड़की बनना चाहता है, शायद वो मेरी और मोहन की मदद कर सके। ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग सही नहीं होते। नहीं, ये तो खुद ऐसे लोगों को गलत समझते हैं, मैं इन्हें नहीं बता सकती। देखो कृष्णा, मैं नहीं जानता तुम्हारी वजह क्या है ये सब करने की, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, लेकिन ऐसे बीच रास्ते में हार कर सब कुछ छोड़कर जाना सही नहीं है। मत जाओ। अब ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तुम बार बार कहती रहती हो ना कि 6 महीने का रिश्ता है, 6 महीने का रिश्ता है। होगा 6 महीने का रिश्ता, लेकिन अगर इन 6 महीनों में तुम्हारे लिए और मोहन के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो प्लीज करने दो मुझे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक हो राशि? चलिए छोड़ छोड़ मुझे। माँ पहले आप आके बैठो वहां पे। मैं माँ नहीं हूँ तेरी, और ये झूठे रिश्ते बनाना बंद कर, छोड़ मुझे। चली जाऊंगी मैं, आप चलिए मेरे साथ। तेरे सहारे की मोहताज नहीं हूँ, छोड़ मुझे। माफ करना, पर अभी अभी बैठ जाइए। आर्यमन, सिजला, अनन्या जल्दी आओ, आजा बैठ जा। छोड़ 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 जा, दूर हट। माँ क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ? अरे बेटा, राशि को चक्कर आ गया था, वो तो शुक्र है कि कृष्णा ने सही समय पे बचा लिया। हाँ, वरना इसके सर पे चोट लग जाती। क्या हुआ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूँ। मैं चीनी वाली शिकंजी लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ जा ले आ, उसमें थोड़ा सा जहर भी डाल देना। मैं बीपी चेक करती हूँ आपका। अरे जरूरत नहीं है बेटा, ठीक हूँ मैं। अरे कर लेने देने उसे, कृष्णा जब तक घर में रहेगी मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं सकती। माँ का बीपी तो बहुत लो है। ये पी लीजिए, आराम मिलेगा। ये अच्छा है तुम्हारा, पहले दर्द दो फिर हम दर्द बन जाओ। नहीं पीना मुझे।
कल के लिए अनुराधा मैम से सॉरी बोल देता हूँ, उनको बुरा लगा होगा ना। अनुराधा मैम को कहीं देखा? अनुराधा मैम को कहीं देखा? मैम तो कहीं नहीं दिख रही, स्टाफ रूम में देख लेता हूं। अंधा है क्या? ये नॉन अचानक गायब हो गया। तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम दोबारा कॉलेज नहीं आओगे। अब क्या बोला तुम्हारी दीदी ने? मारा क्या? नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है, वो मेरे पे हाथ कभी नहीं उठाती। फिलहाल वो काफी परेशान है, कल कॉलेज तो क्या, मुझे मुंबई से बहुत दूर ले जाना चाहती थी, आज उसे बिना बताए कॉलेज आया हूँ। वैसे मैम, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, कल जो भी हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगनी थी। इसकी जरूरत नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है। तुम्हें लेकर तुम्हारी दीदी के मन में जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैम एक्चुअली मैं भी लड़के से लड़की बनना चाहता हूँ आपकी तरह। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम भी खुद से लड़ाई लड़ रहे हो, है ना? मैम क्या मैं लड़की बन सकता हूँ? और ये गलत तो नहीं है ना, आपकी लड़की बनने के बाद आपकी जिंदगी में मुश्किलें तो नहीं आई ना? देखो मोहन, मंजिल अगर बड़ी है तो रास्ता आसान कैसे हो सकता है? मेरे लिए भी आसान नहीं था, बड़ा कदम उठाना है तो हिम्मत तो बड़ी दिखानी ही होगी ना। और तुम्हें अगर इतना स्ट्रांगली फील होता है कि तुम्हें लड़के से लड़की बनना है तो तुम जरूर बनो, आगे बढ़ो, खुद से प्यार करो, अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचने में कुछ गलत नहीं है। अपने आप को अगर अपना लोगे ना तो फिर ये दुनिया चाहे हिचकिचाते हुए सही पर आपको अपना ही लेती है। और यकीन मानो मोहन, एक बार तुम अगर लड़के से लड़की बन गए ना तो ये जो अंदर की घुटन है ना एक झटके में खत्म हो जाएगी। घुटन खत्म होते ही दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी, मंजिल पर पहुंचने की खुशी ही कुछ और होती है। और बात रही परेशानी की, तो चाहे लड़का हो या लड़की सब परेशान है। लड़की को लड़की होने की सजा मिलती है, उन्हें छेड़ा जाता है, समाज में आदमी उन्हें बराबर का हिस्सा नहीं देते हैं। और लड़का भी कम परेशान नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियां उन पे थोप दी जाती है, कोई उनसे नहीं पूछता कि उनका सपना क्या है, उन्हें क्या चाहिए, बल्कि अपने सपनों को मारकर उन्हें परिवार के लिए जीना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ किसी भी समस्या का हल है, इसलिए उसकी समस्या पे नहीं बल्कि उसके हल पे ध्यान दो।